यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। राइस से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। एनएचएआई पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है। आचार संहिता लागू हो गई है तो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ हाईवे एक पर एनएचएआई के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया। आचार संहिता के बाद भी हाईवे पर लगे हैं होर्डिंग और पोस्टर, जहां पर यह साफ है कि आचार संहिता के बाद किसी तरह का कोई गुटबाजी नहीं देखी जा सकती, किसी तरह का कोई प्रचार नहीं किया जा सकता, कोई भी पोस्टर और होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते। लेकिन एचएआई पर आरोप लगा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और पोस्टर देखे गए। तो आचार संहिता के बाद भी हाईवे पर होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं। एनएचएआई इसका उल्लंघन करती नजर आई और होर्डिंग माफियों से मोटा मुनाफा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। जी लाजपत, ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। अब जगह जगह कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। लाजपत जी, ये बिल्कुल अर्चना, देखिए ये काफी बड़ी बात है क्योंकि नेशनल हाईवे एक जो दिल्ली से एनसीआर सोनीपत से गुजरता हुआ जो चंडीगढ़ हाईवे है, इस पर माफियाओं का जो गुंडा राज बिल्कुल सामने आता है। क्योंकि अगर बात करें एनएचआई पर, जो उच्च अधिकारियों से मिलकर और जो यहाँ के जो नेता हैं उनसे मिलकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि नेशनल हाईवे एक पर जो दुर्घटनाएं हैं, वो सबसे बड़ा हाईवे पर जो ये होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। क्योंकि लगातार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत जी आपका जानकारी के लिए। तो आचार संहिता के बाद भी हाईवे पर होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं जनता को इसकी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है और जनता की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनएचएआई के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है आचार संहिता का, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है जिसमें कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि होर्डिंग पोस्टर या किसी भी तरह के कोई बैनर नहीं लगाए जाते, कोई प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन एनएचएआई यहाँ पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता नजर आया है।